पुलिस द्वारा चुनू ठाकुर के घर पर छापेमारी कर हथियार के साथ पत्नी को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में परिजनों ने एसएसपी कार्यालय के बाहर हंगामा किया। 3 लाख इनामी अपराधी चुन्नू ठाकुर को जिला पुलिस की विशेष टीम ने नेपाल के काठमांडू से गिरफ्तार किया है। इसके बाद चुन्नू ठाकुर के घर में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने चुन्नू ठाकुर की पत्नी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद चुन्नू ठाकुर के परिवार और मोहल्ले के लोगों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस की कार्यशैली पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के कई अधिकारियों से बकझक भी हुई। चुन्नू ठाकुर के परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस को छापेमारी के दौरान कुछ भी नहीं मिला, हथियार पुलिस के द्वारा वहां रखे गए थे, जिसके आधार पर चुन्नू ठाकुर की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शासन गई है 11:30 में, जाने के साथ ही सीसीटीवी को तोड़ दी है, जैसे कि चोर की तरह घुस रहे हैं। अगर प्रशासन है वर्दी में है तो सीसीटीवी तोड़ने की कौन सी जरूरत है। चोर रहता है, जो बैंक में डकैती करने जाता है, कहीं चोरी करने जाता है, वो सीसीटीवी तोड़ता है, डीवीआर उठाता है, पहली बात। दूसरी बात, जितना रेंटर थे सिर्फ भाभी घर में थी, एक उनका 11 साल का बच्चा है जिसका 26 तारीख को जन्म हुआ, और एक बेटी है जो ग्रेजुएशन कर रही है। उन लोग को तीन को रूम में बंद कर के, और 20-25 तक की संख्या में प्रशासन अंदर थी, और सुनियोजित ढंग से साजिश के तहत हथियार को वहां स्टैंप किया गया है, रखा गया है, और जबरदस्ती वहां जो लोग थे उनसे साइन करा गया हथियार के बल। मेरा यही कहना है कि उस महिला को लोग रिहाई करे, छोड़े। कौन महिला को डिटेन किया गया? उन महिला, हाँ, किरण बंधना। और वहाँ रेड मारने गई तो एक महिला और एक जेंट्स का मुंह बंधा हुआ था, जिसको सिविल ड्रेस में, जिसको कहा गया कि भाई उनका चेहरा दिखाइए कौन है। प्रशासन के साथ तो नहीं, तो उसका चेहरा नहीं दिखाया गया। बच्ची बच्ची कहते रह गए, जो किरण मन्ना की बेटी है वो अंदर थी, उनको बुलाइए, चेहरा देखे कौन है। कई सारे जमीन के दस्तावेज भी मिले पुलिस का कहना वो मिला है तो दजात का विषय है, लेकिन आपको आपको पता होना चाहिए। आपके यहाँ प्रशासन जाने वाली है, ये आपको पता है कि आप अपने घर में हथियार रखेंगे? मीडिया बंधुओं से हमें कहना, महिला हथियार रखे, वो भी क्रिमिनल। ठाकुर जी 10 बार अरेस्ट हुए हैं, आज तक हथियार नहीं मिला। मेरे यहाँ 50 बार हुआ होगा, आज तक एक कट्टा नहीं मिला। आज हथियार जब ठाकुर जी पकड़ा गया काठमांडू में, पता चल गया, उसके बाद घर में हथियार रख के लोग इंतजार करेगा कि प्रशासन आए और हमें पकड़े। ये प्रशासन बिकी हुई है। आज आप लोग कहाँ आए हैं? उसी महिला के लिए, भाभी के लिए आए हैं। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ नहीं बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।